अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वेलकम टू फ्लेम बेक्स रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं कॉर्न्स कबाब। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है एक कप कॉर्न्स, इन्हें बॉईल कर लिया है, दो अदद उबले हुए आलू, इन्हें मैश कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा प्याज, इसे चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून बेसन, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1/2 कप ब्रेड क्रम्स, 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस, अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकती है, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 अदद लीमू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉर्न्स को पीस लेंगे। ये पीस लिया है, इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बाउल लेंगे, मैश किए हुए आलू शामिल करेंगे, पिसे हुए कॉर्न्स शामिल करेंगे, चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे, लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे, हरी मिर्च शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। लीमू का रस शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ऑयल लगा लेंगे। आइसक्रीम स्टिक्स ले लेंगे। तैयार हो गए हैं, अब इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लेंगे। तो जी व्यूअर्स, तैयार है कॉर्न्स कबाब। बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। दुआ में रखिएगा याद। फ़ी अमानिल्लाह।